दोस्तों, आपने साल 1996 की सुपर डुपर हिट फिल्म राजा हिंदुस्तानी तो जरूर देखी होगी। जब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई थी तो दर्शक इस फिल्म को देखने के लिए काफी ज्यादा पागल हो गए थे। ये उस साल की काफी ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी। इस फिल्म को दर्शकों द्वारा काफी ज्यादा पसंद किया गया था। इस फिल्म में सभी कलाकारों ने अपने किरदारों को काफी अच्छे से निभाया था और इसके जरिए काफी पॉपुलर हो गए थे। लेकिन आप इन कलाकारों को तो काफी अच्छे से जानते हैं, पर क्या आप इनके रियल लाइफ पार्टनर के बारे में जानते हैं जो इनसे बेपनाह प्यार करते हैं? आज की इस वीडियो में हम आपको इन कलाकारों के रियल लाइफ पार्टनर से रूबरू कराने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कौन से है वो कलाकार और कौन है इनके रियल लाइफ पार्टनर। आमिर खान। इस फिल्म में मुख्य किरदार के तौर पर आमिर खान राजा का किरदार निभाते हुए नजर आए थे, जो कि इस फिल्म में एक टैक्सी ड्राइवर होते हैं और इन्हें एक अमीर लड़की आरती सहगल से प्यार हो जाता है। दर्शकों ने इस फिल्म में इनके भोलेपन वाले किरदार को काफी ज्यादा पसंद किया था। लेकिन अगर बात करें इनकी पत्नी के बारे में, तो इनकी पत्नी का नाम किरण राव है, जिनसे इन्होंने साल 2005 में शादी की थी और शादी के बाद इन्हें इनसे एक बेटा भी है जिनका नाम आजाद राव खान है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इनकी पत्नी एक फिल्म राइटर हैं। इन्होंने कई फिल्म की कहानी भी लिखी हैं, जिनमें धोबीघाट, दंगल, सीक्रेट सुपरस्टार और दिल्ली वाली जैसी फिल्में शामिल है। आपको बता दें कि इन्होंने इनसे दूसरी शादी की थी। इन्होंने इनसे पहले रीना दत्ता से साल 1986 में शादी की थी। करिश्मा कपूर। इस फिल्म में करिश्मा कपूर ने मेन लीड एक्टर के तौर पर आरती सहगल का किरदार निभाया था, जो कि एक अमीर लड़की होती है और इन्हें एक टैक्सी ड्राइवर से प्यार हो जाता है, जिसका नाम राजा हिंदुस्तानी होता है। दर्शकों ने इनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को काफी पसंद किया था। लेकिन अगर बात करें इस अभिनेत्री के पति के बारे में, तो इनके पति का नाम संजय कपूर है, जिनसे इन्होंने साल 2003 में शादी की थी। शादी के बाद इन्हें इनसे दो बच्चे हैं, जिनका नाम समायरा कपूर और कियान राज कपूर है। आपको बता दें कि इनके पति प्रोफेशन से एक जाने माने बिजनेसमैन हैं, जिनका नाम टॉप 5 बिजनेसमैन के अंदर लिया जाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि करिश्मा कपूर की ये शादी 13 सालों तक ही टिक पाई और शादी के 13 सालों बाद इन दोनों ने आपसी सहमति से तलाक ले लिया। सुरेश ओबेरॉय। इस फिल्म में सुरेश ओबेरॉय ने मिस्टर सहगल का किरदार निभाया था, जो कि आरती सहगल के पापा होते हैं। ये अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और अपनी बेटी और उनकी सौतेली माँ के साथ एक महल में रहते हैं। लेकिन अगर बात करें इस दमदार अभिनेता की पत्नी की, तो इनकी पत्नी का नाम यशोधरा है, जिनसे इन्होंने साल 1969 में शादी की थी। ये एक हाउसवाइफ है और लाइमलाइट से दूर ही रहना पसंद करती हैं। सुरेश ओबेरॉय और यशोधरा के दो बच्चे हैं, जिनका नाम विवेक ओबेरॉय और मेघना है। जॉनी लिवर। इस फिल्म में बलवंत सिंह का किरदार जॉनी लिवर ने निभाया था, जिन्होंने अपनी कॉमेडी अंदाज से दर्शकों को काफी ज्यादा हंसाया था। दर्शक इनकी कॉमेडी के आज भी दीवाने हैं। लेकिन अगर बात करें इनकी पत्नी के बारे में, तो इनकी पत्नी का नाम सुजाता लिवर है, जो कि एक हाउसवाइफ है। इन्होंने इनसे साल 1984 में शादी की थी। शादी के बाद इन्हें दो बच्चे हुए, जिनका नाम जॉनी लिवर और जैसी लिवर है। इनके दोनों ही बच्चे एक्टर है। आपको बता दें कि जॉनी लिवर की पत्नी लाइमलाइट से काफी दूर रहती हैं। इन्हें लाइमलाइट में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। कुणाल खेमू। इस फिल्म में कुणाल खेमू ने चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर रजनीकांत का किरदार निभाया था, जो कि इस फिल्म में काफी शरारती होते हैं। दर्शकों ने इनके नटखट अंदाज को काफी पसंद किया था और इनके इस किरदार के लिए खूब तारीफें भी की थी। लेकिन अगर बात करें इस हैंडसम अभिनेता की पत्नी के बारे में, तो इनकी पत्नी का नाम सोहाली खान है, जिनसे इन्होंने साल 2015 में शादी की थी। शादी के बाद इन्हें एक बेटी भी हुई है, जिनका नाम इनाया नौमी खेमी है। आपको बता दें इनकी पत्नी प्रोफेशन से एक जानी मानी अभिनेत्री हैं। इन्होंने कई फिल्मों में भी काम किया है, जिनमें दिल मांगे मोर, रंग दे बसंती, साहेब बीवी और गैंगस्टर और तुम मिले जैसी कई फिल्में शामिल हैं। कल्पना अय्यर। इस फिल्म में कल्पना अय्यर ने एक बंजारन का किरदार निभाया था। इन्होंने इस फिल्म के दर्द भरे गाने परदेसी परदेसी जाना नहीं पर डांस किया था और दर्शकों का काफी मनोरंजन किया था। आज भी दर्शक इनके इस डांस को याद करते हैं। लेकिन अगर बात करें इनके रियल लाइफ पति के बारे में, तो आपको बता दें इन्होंने अभी तक शादी नहीं की है, लेकिन ये किसी के प्यार में इस कदर पागल थी कि उनके मरने के बाद भी उनकी यादों से प्यार करती थी। और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड स्टार अमजद खान यानी गब्बर है। कहा जाता है कि अमजद खान के प्यार में ये इस कदर दीवानी थी कि अमजद खान की मौत हो जाने के बाद इन्होंने कभी शादी नहीं की और ये आज तक कुंवारी है।
तो दोस्तों आपको इन कलाकारों में से किन कलाकारों के रियल लाइफ पार्टनर अच्छे लगे, आप हमें उनका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।